कुछ लोग व्रत के चावल बोलते हैं, कुछ लोग समा चावल बोलते हैं। गढ़वाल में, उत्तराखंड में इसको झंगोरा बोला जाता है, अंग्रेजी में बार्नयार्ड मिलेट। नाम बड़े सारे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बड़े काम की चीज़ है। लाइट टू डाइजेस्ट, पौष्टिकता से भरी हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट जल्दी पकती है। और ये जो व्रत के चावल हैं, झंगोरा है, ये दो किस्म का मिलता है। ये तो छिला हुआ है, ये हस्क्ड है, इसका छिलका निकला हुआ है। एक बगैर छिलका निकले हुए भी मिलता है, अगर वो मिलता है तो वो इस्तेमाल कीजिए, हाईली न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है जी, तो अब व्रत के चावल बनाने के लिए हमको चाहिए चावल, थोड़ा धो लें शहर तक आते आते, बहुत कई बार पुराना होता है चावल तो उसमें वो एक्स्ट्रा माड़ सा रह जाता है बस। तो उसके लिए एक बार हल्का सा रिंस कर लें उसको, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल फ्रेश है तो वो जरूरत नहीं है उसकी। तो ये जो मैला पानी है ना, इसमें ऑफ टेस्ट होता है, कई बार पुराना समा चावल होता है ना, तो इसलिए धो लेना बेटर। समा चावल डालने के बाद थोड़ा भून लें। उससे क्या है ना कि एक ऑफ स्मेल जो है वो चली जाती है। थोड़ा सा भून के फिर पानी डाला, उसके बाद तो बहुत मुश्किल काम है, फिर तो वेट करना है ना। मिलेट्स के साथ ये सही वक्त है आपको वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में बताने का। 3 से 5 नवंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में हो रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया। मिस मत कीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिए अगर आप फूड बिजनेस में हैं या फिर आप फूड एंथुजियास्ट हैं। 3 से 5 नवंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली, वर्ल्ड फूड इंडिया।